अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री, हाउ आर यू ऑल? एंड आई वांट टू नो दैट वेदर यू आर एंजॉयिंग दिस यूनिट और नॉट. अच्छा, मुझे अच्छा लगता है सोशल स्टडीज जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में पता होता है जो हम आम रूटीन में शायद उस पर इतनी तवज्जो नहीं देते या हम उसके लिए इतना मेहनत नहीं करते फाइंड आउट करने के लिए कि मतलब क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. वैसे ही है ना, लेकिन जब एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होते हैं और पढ़ा रहे होते हैं तो फिर बड़ा मज़ा होता है जब हम सोशल स्टडीज पढ़ते हैं, दुनिया के बारे में सीखते हैं. आपको, आप भी फील करते होंगे ना कि कैसी नई नई चीज़ें और नए नए कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, अपने मुल्क के बारे में जान रहे हैं, दुनिया के ममालिक के बारे में जान रहे हैं, है ना? ओके, तो पहले हमने डिस्कस किया कि माउंटेन्स क्या होते हैं. डेफिनेटली माउंटेन्स आर द एरिया ऑफ एरियाज ऑफ हाई लैंड, जमीन से ऊंचा इलाका, ठीक है. फिर हमने माउंटेन के पार्ट्स को, मुख्तलिफ जो एरियाज होते हैं माउंटेन्स के, वो हमने डिस्कस किए. दैट द पीक इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन, स्लोप इज द साइड ऑफ द माउंटेन, एंड बॉटम इज द बेस, एंड द हिल्स एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन आर कॉल्ड फुट हिल्स, एंड द लो एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स इज द वैली. जैसे कश्मीर की वादी हम कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो पहाड़ों में घिरी हुई है, उसके इर्द गिर्द पहाड़ हैं और वो लोअर लैंड है. मरी की वादी है, क्यों वादी है? क्योंकि दो पहाड़ों के दरमियान का इलाका है तो वादी है, सही. फिर हमने माउंट एवरेस्ट और कराकोरम टू यानी के टू के बारे में डिस्कस किया. दैट माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड देन कम्स के टू. के टू इज नंबर टू एंड इट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान. नेक्स्ट टॉपिक वॉज द माउंटेन रेंज. रेंज का हमने डिस्कस किया एक सिलसिला, ठीक है, ग्रुप. अब माउंटेन, द ग्रुप ऑफ माउंटेन्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर और द चेन ऑफ माउंटेन्स इज द माउंटेन रेंज. ये देखें, ये एक माउंटेन रेंज ड्रॉन है बोर्ड के ऊपर. पहाड़ के साथ पहाड़ हैं, सब पहाड़ जो हैं जुड़े हुए हैं, क्लोज हैं, जिससे एक ग्रुप बना हुआ है, इसको कहते हैं माउंटेन रेंज, सही. फिर हमने डिफरेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में बारे में पढ़ा. कराकोरम जिसमें के टू है ना. फिर हमने सुलेमान रेंज, फिर मकरान कोस्टल रेंज, ये कुछ हैं जो मैं आपको नाम बता रही हूं जो हमने उसमें से मैप में पढ़े थे. सॉल्ट रेंज और बहुत सी, काफी सारी माउंटेन रेंजेस जो है पाकिस्तान में मौजूद हैं. अब कराकोरम रेंज जो है ना, उसमें दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचे पहाड़ कराकोरम रेंज में मौजूद है. और पाकिस्तान में, दुनिया में अगर दुनिया के जो 14 हाईएस्ट पीक्स हैं उनमें से 5 हैं पाकिस्तान के अंदर. ये हम पढ़ चुके हैं, है ना. लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है जी, और किस मुल्क में है, किस कॉन्टिनेंट में है. लॉन्गेस्ट जी एंड एस, एंड इट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? 5 साउथ अमेरिका. बिल्कुल सही. कॉन्टिनेंट्स के नाम आपको याद है कि भूल चुके हैं? फिर से याद है, चले मैं रिवाइज कर लेते हैं हम. एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिक. बिल्कुल सही याद हो गए, ठीक है. एक जो बड़ी अहम माउंटेन
माउंटेन रेंज है पाकिस्तान के नॉर्थ में, दैट इज हिंदू कुश। हिंदू कुश माउंटेन रेंज। बड़े बड़े ऊंचे पहाड़, सही। मुझे ये बताया एंडस जो साउथ अमेरिका में द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है जी जहा बिल्कुल 7,000 किलोमीटर। लंबाई की बात करें ना, लॉन्ग है, लंबी है, इतना लंबा इलाका घेरती है, इसीलिए ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। अब ये मुझे बताएं, लेट्स रिवाइज, व्हाट्स द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? 8,848 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ केटू? बताइए 8,000 कितने? 8,611 मीटर। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जाहिर है दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू। इट इज लोकेटेड इन नेपाल माउंट एवरेस्ट एंड इट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान के टू। लेट्स टेक आउट द बुक्स नाउ, इट्स टाइम टू रीड द यूनिट अगेन। पेज नंबर 15 विल बी डूइंग माउंटेन पास नाउ। टेक आउट योर बुक्स क्विकली। माउंटेन पासेस, पास हम किसको कहते हैं? जब हम कहते हैं लेट मी पास, और हमने खैबर पास का भी पढ़ा है, तो उसका क्या मतलब होता है? रास्ता, माउंटेन पास। अ पास इज अ रूट थ्रू अ माउंटेन रेंज, यानी एक पहाड़ी सिलसिले में से जो रास्ता गुजरता है उसको पास कहते हैं। पास, पास। पीपल यूज पासेस टू ट्रेवल अक्रॉस द माउंटेन्स। अब लोग इन रास्तों को इस्तेमाल करते हैं पहाड़ों में सफर करने के लिए। यू रेड अबाउट द खैबर पास इन द प्रीवियस यूनिट। आपने पढ़ा है ना खैबर पास के बारे में, किस यूनिट में पढ़ा है हमने? पेशावर में, बिल्कुल सही। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन पास दैट लिंक्स पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। ये भी एक बड़ा ही अहम पहाड़ी रास्ता है जो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है, राइट? द खंजरा पास इन गिलगित बल्तिस्तान लिंक्स पाकिस्तान विद चाइना एंड इज ऑफन कवर्ड विद स्नो इन विंटर। एक तो हमने पढ़ा खैबर पास जो जोड़ता है पाकिस्तान को अफगानिस्तान से, अब है जी गिलगित बल्तिस्तान में खंजरा पास जो जोड़ता है चाइना को पाकिस्तान से, और इधर रहती है अक्सर बर्फ, सर्दियों में बर्फबारी होती रहती है और बर्फ जमी रहती है, ठीक है? बहुत ठंडा इलाका खंजरा पास। आप में से काफी लोगों ने विजिट किया होगा, नहीं किया तो इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे। तो दो पासेस का भी हमने जिक्र किया है, खैबर पास जो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिलाता है, और खंजराब पास जो के गिलगित बल्तिस्तान में है और पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है। बॉर्डर हो जाता है ना, ये बॉर्डर एरिया बन जाता है। लाइफ इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में जिंदगी अब कैसी होती है, अब हम ये पढ़ेंगे। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। Many people around the world live on or near mountains. दुनिया के बहुत से लोग या तो पहाड़ों पर या पहाड़ों के करीब इलाकों में रहते हैं। They use the natural resources such as soil, water, plants and animals found there to feed and clothe themselves. वो नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, कुदरती ज़राए। नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पानी है, मट्टी है, पौधे हैं, जानवर हैं। अब वो लोग इनको इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक के लिए, अपने लिए कपड़े बनाने के लिए, और जो जो उनकी ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की वो नेचुरल रिसोर्सेज से ही पूरी कर लेते हैं,
ठीक है, उन और उन इलाकों में अभी इतनी टेक्नोलॉजी पहुंची नहीं, इतनी एडवांसमेंट नहीं है। अगर एडवांसमेंट हो जाए तो सोचे वहाँ का क्या हाल हो, है ना, पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो जाए वहाँ पे। तो माउंटेनस एरियाज जो होते हैं वहाँ पे एटमॉस्फेयर साफ भी इसी वजह से होता है कि वहाँ पे फैक्ट्रीज का धुआं नहीं जाता, वहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं होती कि धुआं ही धुआं हो जाए। Their homes are often made from adobe. उनके घर अक्सर एडोब से बने होते हैं। अब एडोब क्या है? This is brick that is made from clay and dried hard in the sun. ये वो ईंट है, एडोब एक ऐसी ईंट होती है जो मट्टी और गारे से बनाई जाती है और फिर उसको सूरज की रोशनी में सुखाया जाता है तो वो थोड़ी मजबूत हो जाती है। ठीक है, आपने आम ईंट तो देखी होगी ना, जिससे हमारे घर बने होते हैं, ये बनती है एक खास फर्नेस में, भट्टी में, इसको बेक किया जाता है, पकाया जाता है और इसकी मजबूती में इजाफा किया जाता है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में एडोब इस्तेमाल की जाती है जो मट्टी से बनाई जाती है, क्ले से, मट्टी से, और फिर उसको सूरज में रख के सुखाया जाता है ताकि उसकी मजबूती में इजाफा हो जाए और फिर उनसे घर बनाए जाते हैं। यहाँ तस्वीर भी दी गई है, वो देख लें। एडोब हाउसेज इन करीमाबाद इन हुंजा। अब हुंजा की खूबसूरत वादी है, वादी है हुंजा, जहां पे एडोब से घर बनाए जाते हैं। करीमाबाद का इलाका है हुंजा में, ये एडोब से बने हुए हैं घर, मट्टी वाली ईंट से बने हुए हैं घर। ठीक है, गो के इतने मजबूत नहीं होते ये, लेकिन इनको जाहिर है वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए वो लोग ये घर बनाते हैं और उनका यहाँ पे गुजर बसर अच्छा हो जाता है। समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन द माउंटेन्स बिकॉज द स्टीप स्लोप्स मेक इट हार्ड टू ग्रो फूड एंड बिल्ड हाउसेस। कभी कभी क्या होता है कि माउंटेन्स में रहना क्यों मुश्किल हो जाता है बताएं? अगर हम सोचें कि हमने पहाड़ी इलाकों में जाके रहना है तो क्या मुश्किल है? पहाड़ी इलाकों में ऐसी सड़कें नहीं होती, ऐसे फर्श नहीं बने हुए होते जैसे हम भागते फिरते हैं सीधे सीधे चल चल के और थकते भी नहीं। पहाड़ी इलाकों में चलना भी थोड़ा, आपको पता है, एनर्जी लगती है उस पर भी, सांस फूल जाती भाई। तो आप पहाड़ों में रहते हुए लोग कभी कभी मुश्किल महसूस करते हैं क्योंकि वहाँ के जो स्लोप्स होते हैं ना पहाड़ की साइडें, वो सीधी होती हैं, ऐसे स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट से मुराद कि यूं बिल्कुल वो उनमें कोई रुकावट नहीं होती, स्टीप होती हैं। उसकी वजह से वहाँ पे खुराक उगाना और घर बनाना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वहाँ के इलाकों के लोगों को कभी कभी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। अब ये देखिए हसीन मंजर वादिये हुंजा का, खूबसूरत, माशाल्लाह, बल्कि सुभान अल्लाह कहना चाहिए। द खंजराब पास, ठीक है, ये खंजराब पास है, ये एक लेक आप देख रहे हैं, जाहिर है वो ये पहाड़ी सिलसिला जो है उसमें, ये माउंटेन रेंज जो है ये ज्वाइन करती है गिलगित बल्तिस्तान को चाइना से। गिलगित बल्तिस्तान जाहिर है पाकिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान को चाइना से ज्वाइन करती है ये माउंटेन रेंज, खंजराब पास कहते हैं इसको। नेक्स्ट पेज, लिविंग इन द माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहाड़ों में रहना, कैसे रहते हैं लोग? Many people in Pakistan live in the mountainous areas in the north and northwest of the country. Pakistan के बहुत से लोग जनूब और जनूब मगरबी इलाकों में रहते हैं, माउंटेन यानी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। अब नॉर्थ की तरफ आपने देखा है, नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो तकरीबन पहाड़ी इलाके में शामिल हो जाती है सारी, तभी तो हम कहते हैं नॉर्दर्न एरियाज जाना है जी, नॉर्दर्न एरियाज जाना है। नॉर्दर्न एरियाज का मतलब है जनूबी इलाके। सॉरी, शुमाली इलाके, उर्दू में मैंने गलत कर दिया, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज।
Farmers build terraces to grow food. किसान खुराक उगाने के लिए छोटे छोटे मैदान बनाते हैं, टेरेसेस इनको कहते हैं, टेरेस. इन्होंजा दे ग्रो बार्ले, एप्रिकॉट, एप्पल्स, पेयर्स, पीचेस, प्लम्स, ग्रेप्स एंड फिग्स. हुंजा में उगाया जाता है क्या क्या? जौ, बार्ले को जौ कहते हैं, एप्रिकॉट खुबानी, एप्पल्स सेब, पेयर्स नाशपाती, पीचेस आड़ू, प्लम्स आलू बुखारा, ग्रेप्स अंगूर एंड फिग्स और इंजीर. ये सारे ही भाई माई फेवरेट, आपको भी पसंद होंगे, है ना. माइनिंग इज कैरिड आउट इन द माउंटेन्स ऑफ हुंजा एंड सवाक. माइनिंग होती है कानकनी, जो कान होती है जिसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जेम्स हो गए, सोना, चांदी, हीरा और कोयले की भी माइंस होती हैं वैसे तो माइनिंग की जाती है, यानी कानकनी की जाती है जहां से हुंजा और सवात में से रिसोर्सेज जेम्स निकाले जाते हैं. जेम्स क्या होते हैं? नायाब कीमती पत्थर, बड़े ही खूबसूरत रंगों के, फिर उनको बेचा जाता है और उनसे ज़ाहिर है पैसा कमाया जाता है. वो बड़े कीमती होते हैं, बड़े खूबसूरत रंगों के. जेम्स सच एज रूबीज, टोपाज, गार्नेट्स, एमराल्ड्स एंड सैफायर्स आर माइंड देयर. ये हुंजा और सवात में ये सारे खूबसूरत और कीमती पत्थर मौजूद हैं. वहाँ पे माइनिंग की जाती है, कानकनी की जाती है और वहाँ से ये पत्थर हासिल करके पूरे मुल्क में मशहूर हैं यहाँ के पत्थर, ठीक है. और लोग पहनते हैं, ज्वेलरी में पहनती हैं खवातीन. अब नीचे की तस्वीरें देखें, बड़ी मजे की. शेफर्ड्स टेकिंग देयर कैटल टू ग्रेज. शेफर्ड्स होते हैं चरवाहे, चरवाहे लेके जा रहे हैं अपने अपने जानवरों को चरने के लिए. घास चरने जाते हैं ना जानवर, खुले फिरते हैं, खेलते, भागते, दौड़ते और खाते पीते. टेरेस फार्मिंग इन हुंजा इन पाकिस्तान. पाकिस्तान, ये देखें हुंजा में टेरेस फार्मिंग हो रही है. ये टेरेसेस बनाए हुए हैं, यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ फसलें उगाई होंगी, फ्रूट्स उगाए होंगे. जेम माइनिंग, देखें ये साहब जो हैं ये हमें जेम दिखा रहे हैं, ये पत्थर के अंदर कीमती पत्थर छुपाया है अल्लाह ने. ये अल्लाह की कुदरत ही कर सकती है बच्चों, ये इंसान के बस की बात नहीं है. ये खूबसूरत पत्थर. पीपल लिविंग इन हुंजा आर सम ऑफ द हेल्दीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. अब हुंजा के लोगों की क्वालिटी क्या है कि वो दुनिया के सेहतमंद तरीन लोगों में शामिल किए जाते हैं, हुंजा के लोग. क्यों क्यों भाई, हम क्यों नहीं है इतने सेहतमंद? दिस इज ड्यू टू हार्ड वर्क एंड द डाइट ऑफ फ्रेश फ्रूट, माउंटेन वाटर एंड क्लीन एयर. अब ये उनकी मेहनत की वजह से, क्योंकि वो लोग मेहनती बहुत हैं. और मेहनत के साथ साथ वो खाते हैं फ्रेश फ्रूट और पीते हैं पहाड़ों से साफ सुथरा चश्मों का पानी और साफ सुथरी हवा में रहते हैं. हम इतने हेल्दी क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम आराम पसंद है ना. हम कहते हैं बस बैठे बिठाए पानी भी हमें जहाँ बैठे वहाँ मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े, है ना. ऐसे ही है ना. तो जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उनकी बॉडी उतनी ही अच्छी और स्ट्रांग हो जाती है. लेकिन ज़्यादा मेहनत के साथ साथ अच्छी डाइट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. हम जो डाइट खाते हैं वो इतनी प्योर नहीं होती ना, लेकिन उन लोगों को तो हर चीज़ ऐसे फ्रेश मिलती है, ऑर्गेनिक मिलती है. खादे शादे नहीं डालते, वो जो नेचुरल चीज़ बनती है वो वही खाते हैं, ठीक है. उनकी इस वजह से उनकी जो सेहत है वो बड़ी अच्छी होती है और वो दुनिया के सेहतमंद तरीन लोगों में उनका शुमार किया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज माउंटेन एनिमल्स ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों के जानवर कौन से हैं? द स्नो लेपर्ड, मारखोर एंड मस्क डियर लिविंग इन द माउंटेन्स ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान आर एंडेंजर्ड स्पीशीज. अब एंडेंजर्ड का क्या मतलब है? एंडेंजर्ड, डेंजर का क्या मतलब होता है? खतरा, है ना. एंडेंजर्ड खतरे में, खतरे में किस खतरे में? दुनिया से ख़त्म हो जाने के खतरे में. कुछ हमारे पास जानवर ऐसे हैं जो शिकार इतना उनका किया जाता है कि उनको मार मार के ख़त्म ही कर रहे हैं हम दुनिया से, जिसमें स्नो लेपर्ड है, जिसमें मारखोर है, जिसमें हिरन है, ठीक है. अब मारखोर इज़ आर नेशनल एनिमल ऑल्सो, पहाड़ों में ये रहता है, लेकिन इसका शिकार लोग करते हैं इतना कि ये इसकी नस्ल ख़त्म होने वाली है. एंडेंजर्ड है, ये दुनिया से ख़त्म हो जाने के ख़तरे में हैं ये सारे जानवर. दिस मीन्स दैट देयर आर फ्यू ऑफ देम
लेफ्ट इन द वाइल्ड दैट दे मे सून डाई आउट. इसका एंडेंजर्ड का मतलब है कि उनकी बहुत कम तादाद अब जंगलों में रह गई है और वो भी जल्द ही मर जाएंगे और फिर दुनिया से वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर हम उनको कभी नहीं देख पाएंगे, सिर्फ तस्वीरों की हद तक महदूद रह जाएंगे. तो इसका हल क्या है? इसका हल है कि हंटिंग को रोका जाए, शिकार पे पाबंदी लगाई जाए, खासतौर पे इन जानवरों के जो ख़त्म होने वाले हैं, और उनके लिए फार्मिंग की जाए, ठीक है, और जिससे उनकी तादाद बढ़े फिर कहीं इनका. और मारखोर को हम कैसे ख़त्म होने दे सकते हैं? तो हमारा कह लें कि कौमी जानवर है, इतना खूबसूरत और शानदार अल्लाह ने उसको हुस्न दिया है. आपने देखा है मारखोर? नहीं देखा तो ये देखें, कितना खूबसूरत. अच्छा, इस पर एक मूवी भी बनी थी पाकिस्तान में, अल्लाह यार के नाम से, बच्चों की मूवी थी, कार्टून थे, अल्लाह यार. वो आप देखें, आप बड़ा एक तो इन्जॉय करेंगे उसको, दूसरा ये आपको पता चलेगा कि मारखोर किन इलाकों में रहते हैं और वो कैसे ख़त्म किए जा रहे हैं. अल्लाह यार उसका नाम है, बच्चा होता है एक अल्लाह यार जो किस तरह से इनका रेस्क्यूअर बनता है. ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप लोग देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, वीकेंड पे देखिएगा. नेक्स्ट पेज नंबर 17. मामुथ्स, ईगल्स, वुल्व्स एंड पॉर्क्यूपाइंस आल्सो लिव हियर बट दीज आर नॉट एंडेंजर्ड. अब जो खतरे में नहीं है एनिमल्स वो कौन से हैं? मामुथ है, ईगल, वुल्व और पॉर्क्यूपाइन. पॉर्क्यूपाइन उन नेवले को कहते हैं जिसके बॉडी पे कांटे होते हैं ना, वो. ट्राउट आर फाउंड इन लेक्स एंड रिवर्स. ट्राउट बड़ी ही टेस्टी, मज़ेदार और अहम मछली जो है वो हंसा के झीलों में और दरियाओं में पाई जाती है. ठीक है, वहाँ जाएँ तो वो स्पेशल ऑफर करते हैं जी, ट्राउट. द माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान में बी कंपेयर टू दोज इन परू. अब पाकिस्तान के पहाड़ों को हम परू के पहाड़ों से कंपेयर कर सकते हैं, मवाजना कर सकते हैं कि पाकिस्तान के पहाड़ों पे क्या लाइफस्टाइल है, क्या सहूलतें और क्या रिसोर्सेज हैं, और परू, परू एक मुल्क है साउथ अमेरिका में. ठीक है, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे. अभी आपने ये रीडिंग करनी है सारी दोबारा से, जो जो चीज़ें के बारे में आपने पढ़ा है कोशिश करें कि इस पर सर्च करें, नेट पे देखें, मारखोर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, फिर हम मारखोर पे भी डिस्कशन करेंगे. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.